इंडियन टेलीविजन में हर हफ्ते कई रियलिटी शोज करते हैं हमको एंटरटेन। जजेस अपनी कुर्सी पर बैठकर करते हैं जीत और हार का फैसला। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सबसे बड़ा रियलिटी शो खुद जिंदगी है, जहां कभी हार है तो कभी जीत है। और सबसे खास बात, जिंदगी नाम के इस रियलिटी शो का जज और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। क्रॉसरोड्स, एक ऐसा अनोखा शो जो आपकी दुनिया को टेलीविजन पर ले आया है। जिंदगी के हर रिश्ते में, लाइफ के हर मौके पे कभी ना कभी अक्सर हम खुद को क्रॉसरोड्स यानी दोराहे पर पाते हैं। बच्चे का सर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। सबके लिए अच्छा होगा अगर ये बेबी इस दुनिया में ना आए तो। अब ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? फैसला सही पड़ा तो हम मुस्कुराते हैं, नहीं तो पूरी उम्र पछताते हैं। उसकी बेटी 41 इयर्स की है, वो आज भी उसको उठाती है, उसके पैड्स चेंज करती है, उसकी पॉटी साफ करती है और सोते वक्त बोलती है, भगवान मैं मरने के पहले इसको ले जा। क्रॉस रोड्स यानी दोराहे पर होंगे कहानी के किरदार। एक ही दिन में तीन प्रपोजल्स। कौन सा लड़का श्वेता के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है? शादी के लिए फैमिली बैकग्राउंड बहुत जरूरी रखता है। व्हाट नॉनसेंस। लेकिन दुविधा में होगा स्टूडियो में बैठे लोगों का पूरा संसार। एज डिफरेंस बहुत मैटर करता है, एज लेके बैठोगे तो जिंदगी नहीं गुजरती है। तो आइए एक दूसरे से मशवरा करके जिंदगी को जानते हैं। मैंने जिंदगी को बहुत नजदीकी से देखा है, बोलना बहुत आसान है। क्योंकि जिंदगी जब दोराहे पर खड़ी होती है, एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। वेलकम टू टाटा एस गोल्ड प्रेजेंट्स जिंदगी के क्रॉसरोड्स। सबको राम कपूर का नमस्कार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस यूनिक शो टाटा एस गोल्ड प्रेजेंट्स जिंदगी के क्रॉसरोड्स, जहां मैं सुनाता हूं क्रॉसरोड से भरी जिंदगी की कहानी और उन क्रॉसरोड्स में कौन सी रोड सही है ये बताता है पूरा इंडिया। और अगर आप भी अपनी राय हमें बताना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर लॉग ऑन कीजिए। आप सबसे पूछना चाहूंगा, हाथ ऊपर करके बताइए, यहां पर कौन कौन है जो भगवान पर बहुत विश्वास करते? मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या हम सिर्फ फेस्टिवल्स और पूजा के टाइम ही भगवान को याद करते हैं? डिफिकल्टीज में भी याद करते हैं। डिफिकल्टीज में ही याद करते हैं? मैं भी याद करते हैं। खैर, आज की कहानी है, महाराष्ट्र में एक बस कंडक्टर है जिनका नाम है सदाभाव। उन्हें अपने भगवान पर बहुत बहुत विश्वास है। आइए इनकी कहानी देखते हैं, फिर चर्चा करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। वो सदाभाव, हाँ, कोई अंदाजा लागत नहीं। चल। अब नमस्कार डॉक्टर साहब। तो आप पेशेंट के रिलेटिव्स हैं? हाँ, प्राचार्य से बाबा सदानंद गायकवाड़। देखिए, आपकी बेटी के ब्रेन में क्लॉट है, इसे जमे हुए खून की गांठ भी कह सकते हो, तो जल्दी ऑपरेशन करना होगा। आप एक काम कीजिए, 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए आज ही। क्या 10 लाख? देखिए, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना आपकी बेटी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा पैसा जमा करा देते ना, बाद में ऑपरेशन थोड़ा हो सकता है क्या? नहीं, पर 10 लाख रुपए अचानक कहाँ से लेके आएंगे? देखिए, यहाँ हर एक पेशेंट गरीब परिवार से आता है, ये हॉस्पिटल चैरिटी पे चलता है, प्राइवेट में जाते तो। खैर, आप पैसे जमा कीजिए,
तभी आप ओटी बुक होगा। डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हफ्ते में सिर्फ एक दिन आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। आप लोग जल्दी कीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ छुपाऊंगा नहीं, आपकी बेटी की स्थिति बहुत नाजुक है, इट्स एमरजेंसी। सदा भाव, एक दिन में 10 लाख रुपए कहां से आएंगे? विठला सांभर रे, बहुत जतन से पाला है मैंने अपनी सभी बेटियों को, इनकी मां की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। जीते जी तो मैं अब किसी को खोना नहीं चाहता। बाबा, ऑपरेशन बहुत बड़ा है ना? नहीं बेटा, तू 2 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, यहां तक कि ऑपरेशन का खर्च भी। ऐसे डॉक्टर है, इस तरह से बात करते पेशेंट से? मैं बात करूंगा उनसे। बेटा, पांडुरंग से ना होगी, सब ठीक हो जाएगा। हा? सब ठीक हो जाएगा। बाबा, वो मेरे दोस्त है, बाबा मुझे घर ले चलो, मैं जानती हूं मेरे पास बहुत कम दिन है। नहीं बेटा, इस तरह से बात करेगी ना तो मारूंगा मैं तुझे। तेरी आई भी इस तरह से बात करती थी, कितनी बार बोला है तुझे अच्छा सोच, हम जो सोचते ना वही होता है, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, मैं तेरा बाप हूं, मैं कराऊंगा तेरा ऑपरेशन। सिर्फ पांडुरंगा चनाओगे, बस कुछ नहीं होगा। विठला, पांडुरंगा। हो सदाभाव, देखो सिर्फ भगवान को याद करने से कुछ नहीं होगा, अब सोचो कि करना क्या है। ओ, 10 लाख रुपए हमने अपनी जिंदगी में कभी देखे हैं क्या? 10 लाख तो छोड़ो, एक दिन के अंदर हम लोग 1 लाख भी जमा नहीं कर पाएंगे। सब कंडक्टर और ड्राइवर से चंदा भी इकट्ठा किया ना तो ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए। थोड़ा मैं मदद किया, थोड़ा तुम किया, लेकिन इतने पैसे कैसे भरेंगे? मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट लूंगा, 25 साल की नौकरी है, पीएफ तो मिल ही जाएगा। पीएफ का पैसा एक दिन में मिलता है क्या? कैसी बात करते हैं आप? और समझो मिल भी गया तो भी कितना मिलेगा? देखो, नौकरी छोड़ने से तुम्हारी बेटी का इलाज होगा क्या? हाँ, तुम्हारी और 2 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई का क्या? नौकरी छोड़ दोगे तो उनको खिलाओगे क्या? बाबा ये लो। विलास, चल चल तू मेरे साथ। अरे पर चल। बैंक खाते में भी इतनी बचत नहीं है कि लोन मिल जाएगा, क्या करो? हे पांडुरंगा, कुछ तो मदद कर। हेलो, हाँ क्या बंटे? अच्छा क्या? हाँ नक्की नक्की, ये तो हाँ। अरे अपना विठल रघुमाई ट्रस्ट है ना पंडरपुर का, उनका चैरिटी फंड है पेशेंट लोगों के लिए, 2 लाख रुपए मिलेंगे ऐसा बोलते पाटिल साहब। विलास, लेपो में साहब से बोला है जिसे जितनी मदद कर सके वो करे, वो बोले नोटिस लगा रहे। अरे चल 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 चल।
मेरे बड़े काका है ना, हाँ? वो 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार है, वो बोले लेकिन गांव आना पड़ेगा। अरे एक काम कर देना, हाँ? तुम्हारा काका का गांव है ना, हाँ? वो पंढरपुर के नजदीक है, हाँ? है ना, तो अपन पंढरपुर की ड्यूटी लेते हैं, विठल रखुमे ट्रस्ट में भी जाके आएंगे और काका के गाँव में भी शाम तक में 3,00,000 रुपए जमाना। चलो सदा बहू, हाँ? एक मस्त कटिंग मारते हैं और जाते हैं ड्रेस का ऑफिस में, चेक उठाते हैं, हाँ? चलो एक मिनट, कौन से फोन है? ए? उनका ऑफिस से फोन है, हाँ बोला बोला साहब। हेलो विलास बाबू। हाँ बोला। आज मैं सामना रहो, हाँ? वो पाटिल साहब को काम था, कोल्हापुर गए, 4 दिन बाद आएंगे। अरे पर ऐसा कैसे, वो आज बोला था ना थोड़ा अर्जेंट है ना ये। अरे पर दूसरा किसी का सही नहीं चल सकता क्या? हाँ पाटिल साहब ने तो शिंदे साहब होंगे ना वहां पे। अरे विलास, हाँ ये देख। अरे काय ना, मैं भक्त हूँ विलास, कुछ मैं देख कोई बैग भूल के गया। देखना किसका है बैग। अरे ऐसे कैसे देखेंगे? अरे अंदर ये खोल के देखना किसका है, नाम पता रहेगा। पता क्या कर रहे तू? अरे अंदर पता रहेगा ना उसका, किसका है पता चलेगा। ए? इतने सारे पैसे क्या? सदा भाऊ, देवा को दया आ गई तेरे पे, उसने मदद भेज दी। गिन के देखते हैं ना, कम से कम 5-6 लाख तो होंगे। नहीं नहीं, कोई बदनसीब होगा जो भूल गया। उसके नसीब का अपने को क्या लेने देना, अपने नसीब में थे इसलिए अपने को मिल गए। अरे चल, वो जिसका पैसा है वो आने से पहले अपनी इधर से लेके निकलते। चल, चल, चल। नहीं, नहीं, दूसरे के पैसे को हाथ लगाना पाप होता है, और होगी कोई मजबूरी उसकी। अरे अरे छोड़ छोड़। अरे विलास, 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 मेरी बात सुन। चल, पागल हो गया तू? अरे अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा प्यारी है तेरे को तेरी ईमानदारी? नहीं, अरे इतने सालों में कभी नहीं, बस आज ही क्यों कोई ये ब्याह यहाँ पे भूल गया? सोच। अरे ऊपर वाला भी चाहता है कि हमारी बेटी की जान बच जाए। ऊपर वाला किसी एक की खुशी दूसरे को क्यों देगा भला? लगता है वो बेचारा ना हमसे ज्यादा मुसीबत में होगा। एक मिनट, प्रणाली। हाँ बोल बड़ा। बाबा कहाँ हो? पैसों का इंतजाम हुआ? डॉक्टर पूछ रहे थे। अच्छा वही कर रहा हूँ मैं। हाँ काजी कर लो कुछ, मैं तो हॉस्पिटल से फोन था ना। ये बक्सा दबाओ, अब मैं तेरी एक नहीं सुनेगा। ये पैसा आज के आज हॉस्पिटल में जमा होगा, तू आता है तो ठीक है वरना मैं लेके जाता है। चल चल चल। नहीं विलास, किसी की मेहनत की कमाई है उसे छूना पाप है। अरे तेरे को कैसे मालूम किसी की मेहनत की कमाई है? इसके ऊपर कहीं पे लिखा है क्या? ये मेरे मेहनत की कमाई करके लिखा है क्या कहीं पे? विलास सदा भाव, देख पैसा पैसा होता है, हम लोगों ने कुछ गलत किया क्या? हाँ क्या आपने किसी का पॉकेट मारा, कहीं पे चोरी किया, कुछ गलत किया क्या आपने? नहीं ना दर, हे भगवान, हमने कोई कोई पाप नहीं किया है। पाप हो या पुण्य,
लेकिन ये मेरा नहीं है। अरे पर सदा भाऊ क्या कर सदा भाऊ क्या इधर मेरा सुनने बात सुन तेरा नहीं है ना मैं मेरा समझ कर रख ले लूं ज्यादा समय नहीं है हमारे पास है ना जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल में ये ठीक नहीं विलास मैं पुलिस थाने जा रहा हूं अरे वेरा चला इसको तू पुलिस थाने अरे वहां पे क्या हरिश्चंद्र का अवतार बैठा है क्या ये पैसा खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे वो लोग मेरी बात मान अरे तेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है उसके बारे में सोच ईमानदारी गई खड्डे में जैसे कि आप सबने देखा इनकी बेटी की जान बहुत बहुत खतरे में 10 लाख की जरूरत है नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा और ये पैसे उनको मिल गए आप लोगों ने ये भी देखा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन सवाल बेटी की जान का है आपकी नजर में सदा भाव को किसे बचाना चाहिए बेटी की जान या अपना ईमान अपनी राय हमें सोनी लिव ऐप के जरिए जरूर बताइए क्या करना चाहिए उन्हें हाय आपका नाम मेरा नाम अनिता हाँ बोलिए मुझे लगता है सदा भाव जो बोल रहे कि जो हमारा इन्हें नहीं लेना चाहिए वो सही है पैसा नहीं लेना चाहिए हाँ। लेकिन बेटी की जान खतरे में वो है। तो भगवान है जो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देगा बेटी के लिए ओके इनको दे सॉरी इन्होंने हाथ ऊपर किया हां मैं एडवोकेट दलजीत हूं ओके बोलिए भगवान खुद आके नहीं देंगे भगवान ने उनके लिए पाथ दिया मतलब रास्ता दिया है और सामने से उन्होंने चोरी नहीं की है और पहला सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी औलाद तो सदा भाऊ ने वो पैसे लेके अपनी बेटी के दवाखाने में एडमिट मतलब भरने चाहिए और सबसे बड़ी बात वो थैली पे विट्ठल की फोटो थी तो हर एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते भगवान खोलते हैं ओके इनको जरा माइक दे दीजिए अभी है मैडम ने बोला कि थैली के ऊपर भगवान का पिक्चर था फोटो जी जी उसका इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहा है वैलिड पॉइंट है सेकेंडली 10 लाख कैरी करने वाला आदमी बस में है तो उसकी कुछ तो मजबूरी है सही बात उसका बच्चा एडमिट होगा कुछ तो उसको ऐसा प्रॉब्लम होगा वो पैसा लेकर जा रहा है आहा आप इनको माइक दे दीजिए कोई वो मेरी दीदी है लेकिन फिर भी मैं उनसे एग्री नहीं करती सर ओ या हां जी आई एम हर एल्डर सिस्टर ओके या सो बट देन आप लोग साथ में क्यों नहीं बैठे एक्चुअली ऑपोजिशन है ना सर अच्छा विचार नहीं मिल रहे सर इस टॉपिक में बाकी सभी टॉपिक में मिलते हैं नहीं यहाँ इस टॉपिक में नहीं मिल रहे मैं ये चाहती हूँ कि सदा भाऊ को पैसे लेना चाहिए हाँ वो क्या कर सकते हैं अभी के लिए पैसा लेकर बाद में वो पुलिस स्टेशन जाकर बता सकते हैं कि ऐसा पैसा मिला था लेकिन इसमें एक ये मैटर भी आता है आगे कि जिसका पैसा वो था जब वो सामने आए और शायद उतनी गंभीर सिचुएशन में वो है तो लेकिन इन्होंने अनजाने में किया है ना सर गीता में एक लिखा है जान बचाने के लिए झूठ भी बोला तो उसे सच कहा जाता है ना सर उसका विचार ठीक है उसकी जगह पर नॉन ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं जाने अनजाने में गुना गुना ही होता है okay. जो भी करो ओके इनको दे दीजिए माइक जो जन्म और मृत्यु है वो निश्चित ही मैं तो मानती हूँ आज के जमाने में इतना पैसा लेके किसी को गलत काम के लिए निकला होगा वो अपनी गाड़ी से निकलेगा या कोई दूसरा रास्ता रहेगा
ये बस से निकला है उसका मतलब ये कि उसको भी कोई जरूरत है। अपने बच्चे के लिए वो इतना विश्वास कर रहा है भगवान पे, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता भगवान ने सोच ही रखा होगा और होगा, ये सोच है मेरी। मैडम आपको SMS आएगा क्या भगवान की तरफ से, या भगवान साक्षात आएंगे? भगवान साक्षात नहीं आएंगे, लेकिन ये गलत, जो गलत है वो गलत ही है। ये भगवान ने इंडिकेट किया, पैसे आपको मिले हैं। भगवान रास्ता दिखाता है, किसी का पैसा छीनने के लिए नहीं बोलता है। वो जाके छीने नहीं है मैडम, वो छीने मिला, उन्हें मिला है, उन्होंने चोरी नहीं की है। चोरी नहीं की तो भी वो रास्ते में मिला है मैडम, रास्ते में मिला है, उसका नहीं है, मेहनत का नहीं है। देखिए, और मेहनत का अगर होता ना तो वो बैंकों में पड़ा रहता है, ऐसे थैली में ब्लैक लेके नहीं घूमते। किसी की जान बच रही है। हाँ, जान बच रही है, लेकिन किसी की जान जा रही है वो आपको नहीं मालूम है। सॉरी सॉरी, सबको चार्ज मिलेगा, एक मिनट, सबको चार्ज, एक मिनट, ये बहुत टाइम से अपना हाथ ऊपर कर रही है। हाय, नाम आप कौन? मेरा नाम निशा रावल है। हाँ। मेरे हिसाब से अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो है इंसानियत, और चाहे वो पैसे किसी के हो, किसी के काम के हो, वो गरीब हो अमीर हो, वो पैसे उसके नहीं है तो उसके नहीं है। और कहते हैं ना कि है तेरी रोशनी में वो दम जो अमावस को कर दे पूनम, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी लाइफ में ऐसा दिन जरूर आएगा। थैंक यू। बोलिए। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर। जी। जहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था, स्टैम्पेड हुआ था। जी, जी। लोग एक दूसरे के ऊपर भागम भागी कर रहे थे, उस वक्त मैं वहां पर था। जी। तो वहां पर मैंने 3 अलग अलग तरह के इंसान लोगों को देखा। जी। एक वो जिन्हें कुछ चोटें लगी थी, किसी को सर पे चोट लगी थी, पैर पे चोट लगी थी, लेकिन तो भी वो दूसरों की मदद कर रहे थे, उन्हें उठा रहे थे। ओके। दूसरे ऐसे किस्म के लोग देखे जो दूसरों को धक्का देकर उनकी पीठ पर चलकर और खुद अपना बचाव कर रहे थे। तीसरे ऐसे इंसान को देखा मैंने जो नीचे गिरे हुए लोग हैं, जिन जो मर चुके हैं दबने के वजह से, उनकी जेब से, उनके गले से ऑर्नामेंट्स एंड मोबाइल उठा के लेके जा रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसानियत कहीं पर है कहीं पर नहीं है। सदाभाव जी ने जो जिंदगी में 40-50 साल में जो अपनी ईमानदारी कमाई है, आज उनके पास 2 रास्ते हैं, एक है ईमानदारी का रास्ता, एक है बेईमानी का रास्ता। अगर आज वो बेईमानी का रास्ता चूज करते हैं तो उन्होंने जो 40-50 साल में जो ईमानदारी जो कमाई है वो 1 सेकंड में चुटकी में चली जाएगी। सही कहा आपने, यही तो मेरी क्वेश्चन है कि इस वक्त क्योंकि वो एक क्रॉसरोड पे हैं जहां पर उनकी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में है, इस वक्त उन्हें ईमानदारी पर चलना चाहिए या अपनी बच्ची के बारे में सोच के एक अच्छा बाप बनना चाहिए? एक नई आवाज यहाँ पर। हाँ जी, आपका नाम? सर मैं डॉक्टर प्रोफेसर अजीत उपाध्याय हूँ। मेरी राय थोड़ी अलग है, ना जिंदगी बड़ी है ना मौत बड़ी है, उद्देश्य बड़ा होता है। और एक नेकदिल इंसान जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, जिसकी सोच बार बार उसको मना करती है, अगर वो पैसा यूज भी कर लेता है तो वो पाप नहीं है। yes. और ना वो चोरी है। yes, yes, ना yes. वो चोरी है। थैंक यू डॉक्टर। मैं डॉक्टर जैन मुंबई से हूँ। बोलिए। ईमानदारी अगर आज हम नहीं करेंगे और आज वो बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा दे देते हैं, जिंदगी भर उनको ये चीज सताएगी। मुझे लगता है उनको दूसरे रास्ते देखने चाहिए, जैसे कि उनके दोस्त लोग मदद कर रहे हैं। एक बस कंडक्टर को 10 लाख का इंतजाम करना है 24 घंटे, कुछ भी नहीं है ना? सर सही बात है, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए। सर इतने सारे लोगों ने बोला कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर मुझे कोई पूछा जाए कि अगर ये सिचुएशन में मैं हूँ और मेरी बेटी या बेटा व्हाटएवर है, तो मैं जरूर ये पैसे लूंगी। अगर यहाँ से भी कोई किसने बोल रहा था कि अगर सगे वाले से लेना चाहिए 1 लाख, फलाना ढिकना ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, कौन से सगे वाले ऐसे है कि कल उठ के वो इज्जत देंगे तुमको? हाँ, कभी किसी ने दी है इज्जत? राम सर, अरे मैं ये बोल रही हूँ, सुनो,
मेरे पे गुजर चुकी है ये सारी बातें। जब भी मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया जी। मेरा बेटा अफ्रीका है, मेरी बेटी एक कलकत्ता में है, दूसरी बेटी जो थर्ड वन इज बोरी वाली। हाँ, इतनी ऐसी सिचुएशन में समझ में नहीं है मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो ऐसे ही डॉक्टर के पास गई। तभी भी ऐसे ये डॉक्टर जो है ना, ऐसे डॉक्टर ने बोला पहले 25,000 जमा कराओ फिर इसको इंजेक्शन लगेगा सर। फिर किस मुंह से भगवान की बात कर रहे हो आप? तो आप पैसे लेते क्यों, ऐसे क्यों नहीं करते हो पहले ही ऑपरेशन उनका बताइए। बोलने में ना, यहाँ बोलने में सामने सामने भगवान ये बहुत इजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये गलत आरोप है, कोई हॉस्पिटल में ऐसा नहीं करते हैं। आज परसी आपको टाइम देते हैं, पहले ऐसा होता होगा, अभी टाइम देते हैं आपको ऑपरेशन करते, इमरजेंसी में कोई मना नहीं करता है, इमरजेंसी मना नहीं करता है। गलत हो, रूटीन सर्जरी में हो सकता है, मेरे पे गुजर चुका है। नहीं, बात ये नहीं चल रही है, चलो छोड़ दो ये बात नहीं चल रही है। तो जब ये सिचुएशन में अगर पैसा मिलेंगे, ऑब्वियसली मैं मेरे बच्चों की जो भी बेड पे है मैं उसकी जान बचाऊंगी। मैं ना पुलिस में उसके पास पैसे, वो तो डॉक्टर तो बोलता है कि 24 घंटे का टाइम है, तो 24 घंटे में वो क्या सोचेगा, उसका दिमाग चालू होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पैसे अगर बस में छूट गए, आपने अगर मेहनत से कमाए किसी, आपको कैसा लगेगा अगर आपके पैसे किसी ने, पता है जो आपने इसको नहीं पता है, आपने नहीं, 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 अभी तो इस पैसे पर नाम तो आया ही नहीं किसी का भी। मैंने भी स्लम में पढ़ाया है और मैं जानती हूँ, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अंतरात्मा कोई चीज होती है, अगर वो उनकी बेटी चोरी के पैसे से बच गई तो वो अपने अंतरात्मा को माफ कर सकेंगे? देखिए वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं कुछ कहना चाहूंगा, एक मिनट, एक मिनट। अगर आप चल रहे हैं रास्ते से, पैसा बोलते हैं ना पैसा लक्ष्मी है, तो क्या आप ठुकरा के जाओगे? मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, इंसानियत, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है मेरी। मेरे दो बच्चे हैं, मैं और मेरी बीवी दोनों बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं, करेक्ट, हमेशा सही रास्ता चूजो, पैसे मिले या कुछ मिले जाके दे दो। और मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, लेकिन लेकिन अगर कल को मेरे बच्चों में से किसी एक की जिंदगी का सवाल है, तब मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। ये सर, वही तो मैं बोल रही हूँ सर। देखिए दो नजरिए, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सदाभाव जी ईमानदारी का रास्ता चुनेंगे या अपनी बच्ची को बचाने का रास्ता चुनेंगे? जानते हैं इंडिया की राय में क्या बड़ा है, बेटी की जान या खुद का ईमान? सदाभाव को क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं देश की क्या राय है। मुंबई से राइशा का मानना है कि बच्चे माँ बाप की प्राथमिकता होते हैं, सदाभाव को पैसे ले लेने चाहिए। अहमदाबाद से राहुल कहते हैं कि जिसने बैग खोया है उसके बारे में भी सोचना चाहिए और सदानंद को बैग वापस लौटा देना चाहिए। सोनी लिव ऐप पर हमें आपकी राय लाइव मिल रही है और उसके अनुसार 61% लोग चाहते हैं कि सदाभाव को अपनी बेटी की जान को ज्यादा महत्व देना चाहिए। इरादे और उसूल में एक फर्क होता है, इरादे हालात देखकर अक्सर बदल जाते हैं लेकिन उसूल हर हाल में कायम रहते हैं। तो आइए अब हम सब देखते हैं सदानंद भाव के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, देखिए। हाँ विलास, हाँ
विलास क्या है? नमस्ते साहब. हाँ. मैं सदानंद गायकवाड, बस कंडक्टर. हाँ तो क्या हुआ, बस का एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं नहीं साहब, हमारा बस में ये बैग मिला हमको. बम है इसमें? हाँ? नहीं है ना, तो पब्लिक का थैली संभालने का है क्या? साहब पैसा है इसमें. पैसा? कितना है? 10 लाख साहब. बोल बेटा. बाबा ताई की तबीयत बिगड़ गई है, अभी सलाइन भी लगाया है. हमको बहुत डर लग रहा है. वो सिस्टर भी बार बार बोल रही है पैसे जमा करवा दो, अब जल्दी आ जाओ ना. मैं आ रहा हूँ बेटा. हाँ चिंता मत कर, हम आ रहा हूँ मैं. सदानंद भाऊ मुझे एक बात बता, तुझे इस ईमानदारी का कितना इनाम मिलेगा? 500 रुपए. नहीं नहीं सर, हम सदा भाव का पुतला उभारेंगे सतारा के चौक में. बस स्टैंड को भी नाम देंगे सदानंद गायकवाड़ एसटी बस थाना. जोक मारता है रे बाबा, तुम्हारा दोस्त जोक मारता है. चलो अब तुम लोग जाओ, इसके मालिक को ढूंढ के हम पूरा पैसा वापस कर देंगे. अच्छा सर. चलो गायकवाड़ साहब एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, मैं आपकी जगह पे होता ना तो इतना पैसा कभी नहीं लौटाता. घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है, रख लेते थोड़ा. ईमानदारी की दुनिया में छटक दो छटक बेईमानी तो चलती है. चलो सर. चलो चल अस्पताल चलते, बच्चियां परेशान होगी. अब क्या बोलेगा वहां बच्चियों को जाके? हाँ सुना ना ये हवलदार क्या बोला, सुना ना तू? अभी ये पैसा भी गया तो पुलिस वाले की जेब में. अरे अब तेरा रिटायरमेंट का जो काम है वो भी कल होगा ना. देख जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना उसका ऊपर वाला कुछ नहीं सोचता. अरे तू कौन सा दुनिया में जीता है रे? हाँ ये नोटबंदी के बाद में किसको तकलीफ हुआ, तेरे को या करोड़पति को? बात करते विलास, मेरा बैच शायद अंदर रहेगा. अरे बस में गिरा रहेगा. चल. नहीं 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 अंदर ही गिरा है, मैं लेके आता हूँ. अरे नहीं रुक रुक, मैं अभी आता हूँ. मानूस है साला. अपन को क्या लगा कि नोटबंदी का पुराना नोट होगा, पर सब असली है. येड़े लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में. छोड़ना देश में, अपनी किस्मत में था सब. बताओ से तेरे को बोलता हूँ, 2 महीने से बीवी पीछे लगी है. फ्रिज लेना है, फ्रिज लेना है. अब फ्रिज भी लूंगा और उसके साथ टीवी भी, वो भी LCD. अरे 1 साल की तनख्वाह एक दिन में मिल गई, अपने लोगों की तो चांदी हो गई चांदी. अरे पाटिल मोबाइल चार्ज कर ले, नहीं तो बैको का फोन आ जाएगा. जैन साहब दामले बोलते हैं. हाउ साहब यहाँ सब ठीक है? केस नहीं साहब, अभी तक तो कोई केस नहीं आया. हाउ साहब पाटिल, अरे वो बैग लेके भाग गया, जल्दी आ. विलास कायदा ले, भाग भाग. क्या करता हूँ, चल 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 जल्दी. वो रहे, जल्दी आओ. We'll be right back.
अरे कुठे गेले दोघे? पाटील तुम्ही दोघे तिकडे जा, आम्ही दोघे इकडे जातो. फस गए ना? ईमानदारी की घंटी बजाई जोर जोर से और हुआ क्या? सर पे तप्पा लगा चोर का. अभी पकड़े गए तो सीधे जेल में और नौकरी भी जाएगी. तेरी बेटी वहां पे अब अस्पताल में और हम यहाँ पे चोरों की तरह भाग रहे पुलिस से. अभी अगर बच गए तो सुबह में पकड़े जाएंगे. हमारा नाम नंबर डेपो का नाम नंबर सब कुछ है उनके पास. चोरी कर रहे हैं पुलिस वाले और अंदर जाएंगे हम दोनों. सदा मैं क्या बोलता हूँ, ये थैली है ना, चुपके से थाने में रख के आते तो वहीं से सीधे निकल जाएंगे अस्पताल के लिए. चल चल अस्पताल. नहीं नहीं अस्पताल नहीं. ये भाव अब तेरा ये ईमानदारी का चक्कर है ना, बंद कर, नहीं तो मैं तेरा साथ नहीं देने वाला. सच बोलता रहूं. देख ये पैसे जिसके भी है ना वो वापस करने पड़ेंगे. देख विठो रखमाई का फोटो है इसके ऊपर, देवा ने बोला है इसको संभाल के रखो. तू एक काम कर, तेरे पास इंस्पेक्टर मोरे का नंबर है. अरे वो मेरे भतीजे का दोस्त. हाँ अरे लेकिन वो तो बोला वो बाहर गाँव गया है, वरना पहले उसी के पास चले जाते ना. नहीं विलास वो शायद वापस भी आया होगा. तू देखना उसका नंबर देना, उसको फोन करते. अरे वो भी पुलिस वाला है ना, अभी चार की जगह पे पांच ऐसे होंगे और अपने को पांच पांच डंडे पड़ेंगे अलग से. ये भाव क्या सोच रहे? नहीं मानेगा तू? हाँ मेरी बात नहीं सुनेगा? मैं नंबर निकाल के देता हूँ उसे. तू ही बात कर, देखता हूँ कौन आता तेरी मदद करने के लिए. देखिए जिंदगी का खेल, ईमानदारी के चक्कर में अब वो चोर बन गए हैं. पुलिस ढूंढ रही है, अब सजा मिलेगी उनको. उनको माइक दीजिए, एक नई आवाज यहाँ पर हमारे बीच में आ रही है. हाय. हेलो सर, मैं कपिल दमोह मध्य प्रदेश से. सर मैं एक बहुत ही सरल और एक लाइन में बात बोलना चाहूँ तुम. सच्चाई का ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता है. बीच बाजार में उसको नंगा किया जाता है, 10 लोग उसके ऊपर हंसते हैं. सच्चाई का ये होता है सर. लेकिन अगर आप सच्चाई की तरफ हैं तो फिर लास्ट तक रहिए. यस. और गांधी जी जैसे मर भी जाइए तो आप पूजे जाएंगे. यहाँ पर एक एडवोकेट कौन थी? आपने स्ट्रॉन्गली बोला था कि ले लेना चाहिए, उन्होंने बात नहीं सुनी. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि हम पहले हमारा देखें, हमारे परिवार का देखें, हमारा एनवायरनमेंट का देखें, बाद में देश भर की बात कीजिए. रोजमर्रा की जिंदगी में, कोर्ट में, हॉस्पिटल में हमने इंसानियत को मरते हुए बहुत देखा है. आप म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में चले जाइए. मेरे खुद के बेटे की डिलीवरी म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में हुई है, जो कि मेरे घर से 15 मिनट का रास्ता है. 5 रुपया 2003 में 5 रुपया वहां की टिकट थी. म्युनिसिपैलिटी में मैंने सुबह डिलीवरी करवाई अपने बेटे की और शाम को वो बच्चे को लेके मैं घर आई हूँ. वहां पर मुझे, जबकि सबको पता है प्राइवेट में बैगन की भाजी नहीं दी जाती है डिलीवरी वाली औरत को, पर वहां पर मैंने म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में बैगन की भाजी और एक रोटी खाई हुई है. इसके लिए बोलना बहुत आसान है. जब इंसान की सिचुएशन आती है तो उसे पता चलता है कि सदानंद भाऊ पे क्या गुजरती है. मैंने अपनी डिलीवरी करवा के, मेरी सास ने 50 रुपया दे के बाई से गर्म पानी की बाल्टी ली और मैंने खुद ने अपना बदन धोया हुआ है. इसलिए मैंने जिंदगी को बहुत नजदीकी से देखा है. बोलना बहुत आसान है बट सदानंद की सिचुएशन yes. किसी पे नहीं आई. थैंक यू. मैं यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, हम सब के लिए बहुत आसान होता है राय देना,
लेकिन जो लोग उस सिचुएशन से गुजरते हैं सिर्फ वो ही एक्चुअली फील कर रहे हैं कि कितनी मुसीबत में है। ठीक है, इसने ईमानदारी, सदा भाव ने ईमानदारी दिखाई, ईमानदारी का रास्ता चुना और उस वजह से अब ये हाल हो गया, चोर बन गया बेचारा, है ना। क्या सदा भाव ने जो किया वो बैग पैसे फिर से वापस ले लिए, क्या सही किया कि गलत किया? सही था सर। कोई नई आवाज सुनते हैं। सही किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मेल पर्सपेक्टिव को छेड़ते हैं जरा। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी बोलिए सर। वो उसने सही किया, वो पैसा जब वापिस लेके जाएंगे अभी, तो उसका उद्देश्य एक ही है कि जिसका है उसको सही हाथों में पहुंचाना है। भगवान के ऊपर उसको भरोसा है ना, दिखाएंगे। वो चोरों के पास पैसे नहीं रहे, एक ईमानदार आदमी के पास पैसा रहा है सर। ओके। एक ईमानदार आदमी ये सहन नहीं करेगा कि गलत हाथ में वो पैसा जाए। ही उसका उद्देश्य है कि वो प्रॉपर पर्सन के हाथ में पैसा जाए। ईमानदारी इसी को बोलते है। ओके। वो चोर बने हैं, बट इट इज टेम्पररी चोर। अब सबसे पहले मैं आपकी बहन के पास जाना चाहूंगा। उन्होंने ले लिया है, वो सही किया है। हाँ। क्योंकि वो पैसे अलग किसी गलत हाथ में जा रहे थे। हाँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उसे अब सोचना चाहिए कि ये भगवान ने उन्हें दिया हुआ दूसरा मौका है, पहला मौका उन्होंने गवाया है। ये सोच कर कि ये मेरे लिए नहीं है पैसे, लेकिन ये मेरे लिए ही है, ये सोचकर उन्हें ये पैसे ले लेने चाहिए और अपनी बेटी को बचा देना चाहिए। बेटी को बचाना चाहिए। आप सबको क्या लगता है, क्या सदाभाव एक समझदार पिता है या एक बेवकूफ पिता है कि दो दो बार मौका मिल रहा है और दो दो बार वो मौका नहीं लेना चाहते? बेवकूफ पिता है, बेवकूफ पिता है, बेवकूफ, बेवकूफ। अच्छा तो समझदार कौन कौन बोल रहे हैं? एक मिनट, किसी ने आपने अभी तक बात नहीं की, इनको माइक दे दीजिए। बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बचपन से हमारे मम्मी पापा हमें यही सिखाते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस। तो अगर हम ईमानदार हैं और अगर हम ऑनेस्टी के पाथ पर चल रहे हैं तो भगवान भी उन्हीं के साथ रहता है जो कहीं ना कहीं ईमान रखते हैं। ये भी तो सीखा है मैंने, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी आप की मदद करते हैं। एग्जैक्टली सर। काफी इंटेंस हो गई है हमारे स्टूडियो की डिबेट, आइए देखते हैं हमारी ऑडियंस क्या कह रही है। इस क्रॉसरोड पर आकर क्या सदाभाऊ को अब भी ईमानदार रहना चाहिए? गोधरा से गौरांग का कहना है कि हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका नहीं मिलता। दिल्ली से राजन की राय है कि अगर इंसान ईमानदार है तो उसे हर हालत में ईमानदार ही रहना चाहिए। आवाम की राय देखकर तो यही लग रहा है कि अधिकतम लोग यानी कि 78% यही चाहते हैं कि सदाभाऊ को पैसे रख लेने चाहिए। क्या चोर बनने के बाद भी सदानंद को अकल आएगी? क्या करेंगे वो? क्या अपनी बेटी के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? आइए आगे का देखते हैं। हेलो, इंस्पेक्टर मोरे बात कर रहे हैं? हाँ बोलते है। मैं गायकवाड़ बोल रहा हूँ, एसटी का कंडक्टर। हमें है ना एक बैग मिली है और उसमें पैसे थे। 2:30 बजे की बस थी। हाँ। बैग का रंग कौन सा है? ये हरे रंग की रंग। हरा हरा। बैग पे कोई नाम वगैरह? नहीं नाम नहीं। हाँ मगर विठोबा रखमाई का फोटो था साहब। बैग पे विठोबा रखमाई का फोटो है क्या? हाँ। बैग में पैसे कितने हैं? शायद 10 लाख। एक मैडम, आपके पास बैंक से पैसा निकालने का कोई प्रूफ वगैरह है क्या? है ना साहब, ये देखो। साहब हम लोग वखारी थाने पे ना कंप्लेंट दर्ज करने गए थे।
ठीक है, वो बैग जिसकी है वो मेरे पहचान वाला है, आप लोग इधर नाकाबंदी पे आ जाओ, वो बुड्ढे बाबा जिनकी बैग खो गई है ना वो इधर मेरे साथ खड़े, जल्दी आओ। सब बैग बैग मिल गई क्या? सब आटते हैं अलर को। साहब ये दोनों वही चोर हैं जो बैग लेके भागे थे। अच्छा, मेरे को अच्छे से मालूम है चोर कौन है, लाज ना वाटत। हाँ, तुम लोग का सस्पेंशन ऑर्डर भिजवा रहा हूं मैं थाने में, चल बैठ उधर। काका। बगुन गया? नहीं साहब, ऐसे ईमानदार आदमी पे शक नहीं करते। फिर भी नहीं साहब, मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सर क्या कॉल साहब, क्या मिला तुमको तुम्हारा ईमानदारी से? रात भर चोर पुलिस खेले और सुबह में एक बूटे का राम राम भाऊ, आभारी हो तुमसे। हे भग, तूने अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बना लिया है, लेकिन एक याद रख, हरिश्चंद्र के बेटे जैसी हालत होगी तेरी बेटी की भी। विलास, विलास मौजा एक सिस्टर, मेरी बच्ची वहां पे थी, कहाँ है वो? रिसेप्शन पे जा रही है। मैडम, मैडम मैं सदानंद गायकवाड़, मेरी बच्ची उस रूम में थी, प्राजक्ता। नहीं ओ, अरे प्रणाली कहाँ थे आप? कब से हम लोग आपको ढूंढ रहे थे। प्रणाली, प्राजक्ता उस रूम में नहीं है, कहाँ है वो? वही तो आपको बताना था, गाय का ऑपरेशन चालू हो गया है। ऑपरेशन? कैसे? पैसे? पैसे कहाँ से आए? वो तन्मय ताई का दोस्त, उसने जमा करवाया। तन्मय? वो कौन तन्मय? बाबा अब चलो। हका, ये मेरे बाबा है, इन्होंने अपनी जमीन गिरवे रख के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम किया है। इनका बैग भी खो गया था कल, ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने एक इंसान ने आके लौटा दिया। हाँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्राजक्ता एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ मैं तो यहाँ पैसे लेकर आया था अपने बेटे की खुशी के लिए, उसने मुझे बताया कि वो प्राजक्ता से कितना प्यार करता है। मुझे कहाँ पता था कि प्राजक्ता आपकी बेटी है। वो पैसे जो आपने मुझे लौटाए वो आप ही की बेटी के काम आने वाले हैं। आप दोनों का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? ऐसा मत कहो, आप जैसे अच्छे इंसान को देख लगता है भगवान कहीं है, तो बस यही हमारे पास। हका डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरी प्राजक्ता ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, प्राजक्ता अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? शर्म आ रही थी तुमसे आंख मिलाने की, मैं बार बार तुमको गलत जगह पे भेजता रहा और तुम हर बार सही रास्ते पे लौटते रहे। तुमने दिखा दिया सदा बाबू कि इंसान को जीने के लिए बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आदमी कमजोर दिखता भले है, उसकी ताकत उसकी अच्छाई में होती है। दूसरे का भला करने से ही अपना भला होता है, ये बात जब खुद से देखी तब इंसानियत पे भरोसा बढ़ गया सदा भाव।
धर्मांतर, अब ये विठल रखुमाई की मूर्ति की जरूरत तो मेरे को है। हाँ। विलास, अगर विठल दिल में है ना तो मन कहीं भटकता नहीं, ऊपर वाला बहुत बड़ा है और वो इस मूर्ति में नहीं अपने अच्छाई में होता है। पांडुरंग पांडुरंग, आपने हमेशा कहा था कि नहीं ईमानदार रास्ते पर चलना चाहिए, आपकी क्या रिएक्शन है ये एंडिंग देखने के बाद? ये दुनिया ऐसे लोगों से ही टिकी हुई है, ये बात आप मानिए। इस दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उतने अच्छे लोग भी हैं। ज्यादा अच्छे। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुराई के रास्ते पे चलिए, इसका मतलब ये है कि आप अपनी नजरों में मत गिरिए। सिचुएशन हर किसी की अलग होती है। रामचंद्र जैसे ईश्वर, जिसको हम राम कहते हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सीता जी ने कितना सहन किया, इसका मतलब ये कि वो बुरे थे? बुरे वो नहीं थे, बुरा समय था। और कृष्ण भगवान ने तो कहा है सत्यमेव जयते, गीता में क्या कहा है? तो सत्य की हमेशा जीत होती है, और ये बात आप सोने के अक्षर पे लिख लीजिए। थैंक यू। कहीं ना कहीं सदानंद को विश्वास था कि उनकी बेटी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपने भगवान पर, शायद अपने अच्छे कर्मों पे विश्वास था। आशा है आप अपनी लाइफ के हर एक क्रॉस रोड को अच्छे कर्मों के साथ, विश्वास के साथ पार करेंगे। मिलते हैं कल यहीं एक और कहानी सुनने, ओनली ऑन जिंदगी के क्रॉस रोड्स। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.